फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। एंड और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हेल्थ वीडियो, और हम लोग बात करने वाले हैं आयरन के ऊपर, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी के बारे में और एनीमिया के बारे में, जो उसका मेन कॉज है। तो सबसे पहले तो FE+, ये आप देख लीजिए FE+, और अब हम चलते हैं। ये FE+ क्या है? ये आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट है, और ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। इतना तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टियांस नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो ये सप्लीमेंट है। अब आगे हम बात करते हैं, आयरन के ऊपर चलते हैं। तो हमारी बॉडी में आयरन की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले हमारी बॉडी में आयरन की ज़रूरत है क्योंकि जो आयरन है वो मेन जो सोर्स है वो है ब्लड का, और उसको पूरा करने के लिए आयरन हमें लेना ही पड़ेगा। और आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिल जाएगा? सबसे पहले तो आयरन की जो सोर्सेज हैं उस पर अगर हम बात करें, तो जो फूड आइटम्स हैं, तो हमें मिलता है आयरन ऑल ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, लाल मसूर की दाल में, राजमा में, चुकंदर में, अनार में, और सबसे ज़्यादा मिलता है सरसों के साग में। तो ये तो हो गए उसके मेन सोर्सेज, और ये सब कुछ हम लोग इंडियंस खाते हैं, हमारी फूड में ये सब कुछ शामिल है। उसके बाद भी क्या आपको पता है, इंडिया नंबर 1 में है एनीमिया के मामले में, वर्ल्ड में वो भी। और उसके बाद अगर जो स्टडीज़ हुई हैं वो बताती हैं कि 3 में से हर 2 इंसान इंडिया वाला जो है वो एनीमिक है। तो ये तो बात हो गई, उसके बाद भी हम लोग एनीमिक हैं। क्यों एनीमिक हैं? इसलिए एनीमिक हैं क्योंकि जो हम लोग का ईटिंग हैबिट्स है, हमारा जो बचपन से जो एक चला आ रहा है इंडियन लोगों का खाने पीने का तरीका, सबको पता है हम लोग ओवर कुक्ड करते हैं फूड को, बॉइल्ड फूड हम लोग नहीं खा सकते हैं, कुछ समय तक खा सकते हैं, और कुछ परसेंटेज हैं जो 10-20% मैं कहूँगी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं ऑल ओवर द लाइफ अपनी, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकने वालों में से मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि कुछ दिन तो जो जोश में खाया जा सकता है उबला हुआ खाना और हरे पत्तेदार सब्जियों का सैलड वैलड बना के, लेकिन जो है आप तो इसको ता उम्र इसी तरीके से नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमने बचपन से उस तरह से नहीं खाया है। एक टेस्ट डेवलप हो चुका है जिस के बिना हम लोग का मतलब अधूरापन है, जैसे आप कहते हैं ना कि इंडियंस अचार के बिना, पूरी के बिना, और कुछ ऐसी ऐसी हमारी चीज़ें हैं वो हम लोगों को चाहिए ही होती हैं, वंस अपॉन अ टाइम तो एटलीस्ट चाहिए होती हैं। और दूसरी बात अगर बात करें, जो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं वो भी सीजनल होती हैं, सर्दी में आप इसको खूब खा सकते हैं, लेकिन फिर आप गर्मी में क्या इसको डेफिशिएंसी का शिकार हो ही जाएंगे, क्योंकि वो स्टोरेज तो आपको रहेगा नहीं उतना। तो ये सब चीज़ें आप राजमा और सिर्फ ये दाल और इस पर ही निर्भर नहीं रह सकते हमेशा हमेशा हमेशा, और इतना खाने के बाद भी अगर हो रही है प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ही। तो क्या प्रॉब्लम है? एक तो कुक करने के तरीके में प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है कि केमिकल युक्त जो खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ पहले हम लोगों को फूड से मिल जाती थी वो आज के दौर में हम लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, और इसके अगर पूरा करना है डेफिशिएंसी को तो हमको सप्लीमेंट्स पे आना ही पड़ता है एनी हाउ। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो डॉक्टर आपको लिखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। इवन हम लोग भी देखते हैं स्कूल्स में बच्चों के लिए आयरन टैबलेट्स के जो है आता है, फिर वो चलती हैं। क्यों? क्योंकि फूड से वो सब चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से आपको एडिशनल उनको आयरन के फॉर्म में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर हमें एडिशनल कुछ ना कुछ लेना है तो व्हाई नॉट हम लोग लें नेचुरल चीज़ें, और नेचुरल जो भी आयरन की टैबलेट्स होती हैं हमारी जो बॉडी होती है उसको बहुत जल्दी अपनाती है, एक्सेप्ट करती है, और बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट FE+ का यही है कि नेचुरल है, बॉडी अपनाती है, बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है, और इस वजह से ये लेना बहुत ज़्यादा सेफ है जो लैब्स में बनते हैं उनके कंपेयर टू जो केमिकल युक्त चीज़ों से मिक्सचर करके जो बॉन्डिंग करके जो भी बनाते हैं उसके थ्रू। तो ये हो गया, अगर वो चीज़ नेचुरल नहीं है इसका साइन अभी आपको आपकी बॉडी देगी। क्या साइन देगी? कि आपको लगेगा कि आपका पेट खाने के बाद फूल गया है, भूख नहीं लग रही बहुत देर तक, या फिर मोशंस क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स आपको पता चलेंगे कि वो इतना नेचुरल नहीं है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो है आयरन की टैबलेट्स लेना, ब्लड की कमी को दूर करना, एनीमिया से बचना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर तो सबसे पहले क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है, रेड ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो आयरन बनाने का काम करता है, और हीमोग्लोबिन अच्छा करता है हमारा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी में पूरे जो पार्ट्स होते हैं उसमें ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं, ब्रेन में ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि मस्तिष्क में। और आप जानते हैं कि जो ब्लड अगर हर एक पार्ट को मिलेगा बॉडी के, तो हमारा जो हर एक अंग हेल्दी रहेगा, माइंड हमारा जो है वो भी मतलब
क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बॉडी एक्टिव रहेगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। और इस वजह से दूसरा एनीमिक हमें क्यों नहीं होना है, एनीमिया से हमें क्यों बचना है, आई साइड में साइड इफेक्ट पड़ता है, वीक होने लगती हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनल डैमेज के साथ साथ आउटर लुक में भी डैमेज करता है, स्किन की क्वालिटी आपकी बहुत ख़राब हो जाती है और बोन्स आपकी जो है स्ट्रांग नहीं रहती हैं, वीक हो जाती हैं, मसल्स हो गए, आपके टिश्यूज़ हो गए वो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, वीकनेस आ जाती है उनके अंदर, हर टाइम आपको आलस 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 लगता है। और हमारी बॉडी साइन भी देती है कि हमारे में हम लोग एनेमिक हो गए हैं। वो साइन क्या होता है, येलो हो जाना फेस का, डार्क सर्कल्स आ जाना पूरे के पूरे, और हमेशा स्लीपी स्लीपी सा फील होना, सोने का मन करना बिना ज़्यादा का मेहनत किए हुए काम भी, ज़्यादा मेहनत का जो काम होता है वो अगर ना भी करें उसके बाद भी सॉरी ऐसा लगता है कि हमको सोना है, हमको सोना है, हमको सोना है, कहीं में मौका मिला नहीं कि बस आँख लगी और गहरी नींद में सो गए। आप लोग ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत बहुत सोते हैं, मतलब अतिरिक्त कुछ, मतलब कहते नहीं एक्सेस में ही सोते हैं, कहीं पे कभी भी सो जाते हैं, तो वो एनेमिक होते हैं। इस वजह से उनकी गलती नहीं होती है, वो एनेमिक होते हैं। आलस फील होगा आपको, चिड़चिड़ापन आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गए, चिड़चिड़े हो गए, तो ये सब आपके सिम्टम्स हैं कि ये आपके साइड इफेक्ट्स हैं सॉरी कि इस और सिम्टम्स भी हैं कि अगर हो रहा है तो आप जान सकते हैं कि आप एनेमिक हो गए हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एनेमिक कौन लोग होते हैं, हमारी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, हमारी किशोरी जो होती हैं वो होती हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है वो होती हैं, जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं वो होती हैं, तो उनको तो मस्ट है आयरन की टैबलेट्स लेना एनी हाउ, कि अपने फूड के द्वारा पूरा कर लें या सप्लीमेंट के द्वारा। अगर फूड के द्वारा नहीं पूरा हो रहा तो ज़रूरी है सप्लीमेंट के द्वारा पूरा कर लें। और जब एक बार ये आपकी कमी पूरी हो जाती है तो फिर आप उसको खाना स्टॉप कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं खाना है। और अगर मैं एफ ई प्लस की बात करूं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साल में अगर आप 3 बॉटल्स या 2 बॉटल्स भी खा लेते हैं तो आपकी जो भी आपकी डिफिशेंसी है वो फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि आपको जब लगे आप एनेमिक हो रहे हैं तो आप इसको लीजिए, उसके बाद इसको स्टॉप कर दीजिए। लेने का तरीका सिंपल सा है, लंच के या फिर ब्रेकफास्ट के बाद आफ्टर मील 1 घंटे का अंतराल रखना है, गुनगुने पानी के साथ इसकी 2 टैबलेट्स आपको लेनी है और बस अपने आप को एनीमिया से बचाइए। तो ये है इसका तरीका कैसे आपको लेना है। और जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपके हेयर फॉल भी स्टॉप होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी आईज भी अच्छी होंगी और आपका ब्रेन जो है मेमोरी भी उसकी इंक्रीज होगी। और बहुत जैसे होता है ना भूल, कुछ चीज़ हम भूलने लग जाते हैं कुछ समय के, तो वो सब चीज़ों पे भी कंट्रोल होगा। तो ये हैं इसके फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स जो हम लोगों को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अगर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल।